जय महाकाल। अभी आवाज आ रही है सर? जय हाँ महाकाल बिल्कुल सर, सर, आ रही जय है। हेलो, महाकाल सर, आवाज आ रही है। हेलो गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। अरे धनेश भाई, कैसे हैं? बस सर आप बताइए, बहुत टाइम हो हाँ गया आप ही नहीं आते, मैं तो बुलाता रहता हूँ सबको। दिनेश सर, बहुत भाई देखो, गाड़ी बिजी। से बैठ के भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं कुछ ज्यादा पेन लेने लगा हूँ आप सब लोगों के लिए? है नहीं सर, नहीं नहीं लग रहा है? सर, आप हाँ करते हो, हाँ आप करते हो तो अच्छा लगता है, हमको लगता है कि यहाँ सपोर्ट नहीं, वो तो ठीक है, बट इतना घड़ी घड़ी समझाना और करना, मतलब सोचिए आप ही, है ना? है। अभी वी थैंक अप्रिशिएट यू कि सर, समय थैंक हमारा यू। कोई रखवाला है। वही मैं कह शेयर रहा मार्केट था। ऐसी जगह है जहां पर कोई किसी का रखवाला नहीं होता है। नहीं, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। और फ्राइडे हम लोग मीटिंग किए अनीस भाई, फिर संडे हम लोग मीटिंग किए, एंड हाँ सर, हाँ सर, ट्यूसडे। नाउ ट्यूसडे, है ना? तो फ्राइडे से ट्यूसडे के बीच में अभी वन पांच वीक दिन में भी तीन नहीं हो गए हुआ सर। है और 3 बार मीटिंग कर रहे हैं। क्यों राहुल भाई? बिल्कुल सर, 5 दिन में तीन हो गए सर। एंड ये तो आज का तो दिन, मतलब जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, वो तो और भी ज्यादा मेरे लिए थोड़े से ना हेक्टिक से रहते हैं। तो फिर भी मैंने क्यों किया है मीटिंग, उसके पीछे पर्पज आप ही लोग हैं। अभी क्या है ना, घड़ी घड़ी सबको समझाता हूँ, फिर भी क्या करते हैं आप ना, मार्केट आवर्स में मेरे को इतने मैसेज आते हैं और फोन, ये ले लूँ क्या, अभी ये खरीद लूँ क्या, ऐसा कर लूँ क्या, वैसा कर लूँ क्या। आप ये देखिए कि अभी फ्राइडे से अभी तक तो 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। और यहाँ पे हर 2-2 मिनट में विचार बदल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हैं? अच्छा सही सही बताइए, ये बात हम लोग जनवरी फरवरी में, जनवरी में इवन, फरवरी में तो मौका ही नहीं मिला, जनवरी में हम लोग विवेक भाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, लग रहा है? हाँ ना, कुछ तो बताओ। यस सीए? yes, ये ऐसा ऐसा लग रहा था आपके जो कह रहे हो, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है सर, पैसा भी है लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ डालें और कहाँ नहीं डालें। सर कुछ नहीं है, पैसे को रेस्ट करने दो, ठीक है? पैसे को रेस्ट करने दो, पैसे से दुश्मनी मत रखो, ठीक है? उसको आराम से पड़ा रहने दो, जितना रेस्ट करेगा वो उतना अच्छा रहेगा। आपने सुरक्षित देखा रहे। हो, देखिए बाजार में क्या होता है दोस्तों, बाजार में आपका ना परेशान एक दिन में रिटर्न आता है। प्लीज दूरदर्शन हो जाएगा सर, म्यूट योरसेल्फ। बाजार में दूरदर्शन आपको एक दिन में रिटर्न बहुत। आता है, और आपका पैसा 1 साल भी स्टॉक में पड़ा रहे तो हो सकता है वो रिटर्न ना दे, राइट? तो 2 तरीके होते हैं। आप सबसे पहले, हर आदमी को मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, अपने आप से पूछो आप कर क्या रहे हो, है ना? तो वो चीज आपको ही पता है, मुझे नहीं पता है। मुझे उसका पता है जो अपना प्रोफाइल, अपना माइंडसेट, अपना गोल मेरे से डिस्कस कर रहा है, ठीक है? तो वो तो अपन जानते हैं, दो नरेश जी, विवेक जी, जैसे मैं सभी लोग, आप लोगों में से काफी लोग ना मेरे को डिस्कस करते हैं। आज सुबह ही मैंने, मार्केट ओपन होने से 10 मिनट पहले ही, ये योगेश भाई बता देंगे, इनको फोन करके इनके बहुत सारे स्टॉक साफ करवाए आज। मैंने कहा झाड़ू लेके साफ करो। क्यों योगेश जी, आया फोन की नहीं? बिल्कुल सर, बराबर। तो मार्केट खुलने से 10 मिनट पहले तो मेरे पास बराबर किसी का बराबर सर, भी वो सब मैसेज भी साफ आ बोल जाए दिया ना आपने। तो मुझे इरिटेट करता है, लेकिन मैं खुद से इन दिनों लोगों के ना फोन और मैसेज को इग्नोर ना करके, बल्कि और ज्यादा उनको ना हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण क्या है कि जब बोला था विवेक भाई कि अभी ओवर लिवरेज पोजिशन को काटते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, तो उस वक्त ना मेरी बात ना बकवास लग रही थी, है ना? लोग हंस रहे थे। कारण क्या था, रोजाना वो इतना हाई बढ़ जाता था बाजार, तो हाँ, वो कहते थे यार ये बोल क्या रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है, इधर तो अभी यूट्यूब पे इतने अच्छे यूट्यूबर हैं, ये इतना मोटा भद्दा आदमी क्या बोलेगा यार, यहाँ तो लड़कियां आ रही हैं बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे बोलने के लिए, जवान जवान बच्चे आ रहे हैं, है ना? यो यो हनी सिंह ऐसे करके बोलते हैं जो, है
20 साल के बच्चे दाढ़ी मूंछ निकले नहीं भाई, सब मार्केट के ऐसे उनको तजुर्बे हैं कि साला आंखें खुल जाती हैं कि वाह यार ज्ञान तो यहीं बट रहा है। तो वहां उस चक्कर में हम लोग नहीं रुकते अपने आप को, लेकिन जैसे ये राजेश जी बता देंगे, इन्होंने बोला भाई पैसा डालना, मैंने कहा रोको, ब्रेक लगा लगा के, ब्रेक लगा लगा के, और आज बड़े खुश हैं कि भाई बड़े मतलब एनालिसिस किया। तो क्या था उसके पीछे रीजन, आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आगे भी ये हिस्ट्री रिपीट होगी, ठीक है, ये जो चीज रिपीट हुई है विवेक भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। उस दिन वाले वेबिनार में भी आप सब थे, जब एक दिन याद है राहुल जी, बहुत बड़ा कैंडल बन गया था दिसंबर में, आई थिंक 23 दिसंबर की कुछ था, 20 दिसंबर के आसपास। जी सर, तब भी हम लोग शाम को वेबिनार किए थे, ठीक है। अब ये जो चीजें हमें दिसंबर से बोल रहे थे ना, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए करके, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, जनवरी में भी बोला है, नहीं समझ में आया, फरवरी में, अरे नहीं समझना ही नहीं है यार, सुनना ही नहीं है। अभी इधर क्या है ना, ये अच्छा रहा 3 4 दिन का जो ब्रेक लगाया है, इट इज गुड। अच्छा, एक दिन हम 1 मार्च को ट्वीट करें, हमने कहा भाई 7 8 मार्च के आसपास से बाजार में एक स्विंग नीचे का जरूर लगना चाहिए, ठीक है। वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैं कई बार आप लोगों को भेज भी रहा हूँ कि देखो, है ना। तो धनेश जी आप तो जान रहे हैं ना, अपना वही नंबर थ्योरी गेम है, यस सर, तो दैट इज द पावर, जस्ट दैट इज द पावर। तो अब क्या है, अब लॉजिक समझिए, व्हाट इज द लॉजिक। कुछ लोग बोल रहे हैं कि, कुछ लोगों से मेरा मतलब है बुद्धिजीवी लोग, मैं 68 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडवांस टैक्स का सेटलमेंट होना है 15 तारीख 16 तारीख लास्ट डेट है, तो एडवांस टैक्स भरना है। इतने आईपीओ आए, इतने आईपीओ में एक नॉर्मल आदमी ने 10 12 लाख रुपए कमा लिए, अगर कोई लेके बैठा था ना 30 40 लाख रुपए, तो वो आईपीओ आईपीओ भी अगर खेलता रहा, हर आईपीओ में निवेदन करता रहा अलग अलग कोर्ट से अपने फैमिली के, तो वो आईपीओ आईपीओ में 10 15 लाख रुपए कमा ले गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो सबकी बड़ी मजबूत हो गई, ठीक है, खूब पैसा बना बना के इसमें। अच्छा, इसके बाद में एडवांस टैक्स की कहानी हो गई, आईपीओ का गेन हो गया, अब क्या बात है। आप ये समझो, एक बार जो सभी भाई 2016 वाले मार्केट में थे, 2008 वाले मार्केट में थे, 2016 वाला मैं इसलिए कह रहा हूं डिमोनेटाइजेशन से पहले वाला, ठीक है, और 2008 वाला इसलिए बोल रहा हूं, वो पूरा कुर्सी भी ले गए थे लेमन ब्रदर्स के, है ना, घर, ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई थी। आपने जब भी कोई इस तरीके के बाजार देखे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं था, अभी तो आपके शेयर डबल होने में या ट्रिपल होने में 2 2 3 3 महीने लगाए, दैट टाइम आरएनआरएल अपन खरीदे 52 पे और 4 दिन बाद भाव देख रहे हैं 96, ठीक है। अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड आरएनआरएल, लोग जानते होंगे, पुराने लोगों को पता होगा। तो ये कहानी थी, मतलब सत्यम खुल रहा है 275 पे, और डे वन में 400 रुपए पे बंद हो रहा है, सर्किट की लिमिट्स बढ़ा दी गई, ये हुआ, इतनी तेजी से बाजार जो है मूव कर रहे थे। चलो वहां तक भी कहानी समझ में आती है, वो दौर अब यहां पे भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, अब थोड़ा सा जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनिए। नायर सर आए, नायर सर को मालूम है क्या था वो, हम लोग उस दिन लास्ट वेबिनार में डिस्कस किए थे एंड वर्कशॉप में भी बोले थे ना, करेंगे पर ये साइड नहीं टेक्निकल वर्कशॉप करेंगे, में, कचड़ा स्टॉक, साइड कचड़ा उधर इंडेक्स जब नहीं भागता है तो डर लगता है। तो कचड़ा इंडेक्स क्या था, करेंगे हमारा सेंसेक्स, नायर सर, सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स कौन बोले तो बीएससी सेंसेक्स, कौन आंसर दिया, प्लीज म्यूट, कौन है मोबाइल ये, किनके आवाज आ रहा है। हाँ, विवेक भाई,
म्यूट म्यूट रहे अपन। आपने बीएससी, पूछा ना बीएससी स्मॉल कैप किसने बोला, तो मैंने बोला। ओके ओके। हाँ तो आप लोग को पढ़ाया था ना उस टाइम पे, ये नायर सर भी उसमें उस दिन थे शायद। अब मैं बताता हूँ, वो वाला सिस्टम अभी भी नहीं बना है। मैं बताऊँ आपको, आज जाके घर पे पढ़ना फिर से। वो वाला सेटअप मैंने भेजा हुआ था आप लोगों को, और वो देखना आप उस सेटअप को। वो सेटअप अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, बट उसके छोटा वाला मिनी वर्जन क्रिएट हो गया है। अब वो मिनी वर्जन में क्या होगा आप सुनिए, वो मिनी वर्जन में जितना कचरा स्टॉक अब तक चला है वो चलना बंद आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन तक आपको फिर मौका देगा, तो अगर आप पे कोई भी कचरा स्टॉक है तो बुक योर प्रॉफिट, उसमें मालदार नहीं बनने का आप। नंबर टू, ये भी इंडिकेशन अपने को मतलब मिल रहा है, इसी वजह से ये मैं बोल रहा हूं, बकवास लग सकती है ये बात। इस बार अब लार्ज कैप में वो प्लेयर जो बैठे हुए थे चुपचाप, वो थोड़ा बाहर निकलेंगे, लेकिन न्यूट्रल सी पोजीशन रहने वाली है आफ्टर इलेक्शन भी, चाहे मोदी सरकार आए या ना आए। बाजार का एक एट शेप रिकवरी करेक्शन बाकी है। एट शेप रिकवरी समझते हैं, आठ बनाए आठ, एट एट बनाना जानते हैं ना सभी लोग। तो उस एट को एक बार दिमाग में रखिए, और वो एट में क्या होता है, वो एट ऊपर भी जाता है और एट नीचे भी जाता है और फिर ऊपर जाता है। यानी कि अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ हैं, नीचे से फिर एकदम बिल्कुल नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे। वो एट कंप्लीट होगा और पूरा 2024 लगा देगा उसमें। मैंने आपको बिल्कुल निष्कर्ष वाली बात बता दी, पूरा कहीं वीडियो ढूंढ लेना, आपको ये वाली बात नहीं मिलेगी। ये बेवकूफी भरी बात हो सकती है, बट जो अपने स्टूडेंट हैं वो इस बात को, जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। बिकॉज हमने थोड़ा एनालाइज किया इन 2008, हमने थोड़ा एनालाइज किया इन 2006, 2010, 2016, मोनिटाइजेशन से पहले हमें कुछ ऐसे मतलब चार्ट पे और डाटा में कुछ इंडिकेशन मिले। हमें नहीं मालूम था नोटबंदी होने वाली है, ठीक है, हमें अब भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, सीधी बताएं बात, ठीक है ना। अपन भविष्यवक्ता नहीं है, बट इतना है कि बाजार में जो अंटसंट चल रहा था, द ऑल आर पान वाला, कपड़े वाला, मोबाइल वाला, ऑल आर रिसर्च एनालिस्ट, और एवरीवन टीच मी, एवरीवन, ठीक है, एंड इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड टेलीग्राम बहुत सारे लोग। अच्छा अपन कोई स्टॉक जो आप लोगों को बताते हैं, फिर आपको घड़ी घड़ी हम बोलते हैं, देखो अभी ये स्टॉक्स यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, बिकॉज वो पहले से चला नहीं होता है, फिर बाद में जब वो 200-300% की ऊपर आ जाता है तो यूनिवर्सिटी में चलता है। यूनिवर्सिटी में चलने के बाद में हमारा आपका कर्तव्य है वहां से एग्जिट होते चले जाना, सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, क्योंकि बड़े लोग सब वही कर रहे हैं, तो जो बड़ा लोग करेगा मार्केट में वही अगर हम भी फॉलो करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ना पढ़ाई लिखाई करनी है ना कुछ है, बस ये देखना है बड़ा इंसान कैसे फॉलो कर रहा है वैसे हम भी फॉलो करते रहे, काम हो जाएगा। तो नटसेल में बात ये निकल के आती है कि आनन फानन जो कचरा स्टॉक है उससे, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, और अगर नहीं करते हैं आप अवॉइड तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। पहली चीज, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा लेट चलेगा, लेकिन वो फिर से चलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन उसमें भी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं इस वेबिनार में कोई स्टॉक्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप आईबी रियल एस्टेट देख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल है ना, तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं नहीं बोलूंगा नहीं तो फिर वो स्टॉक वाला वेबिनार हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कहीं भी आते हैं ना लोग, वही स्टॉक पकड़ के बढ़ जाते हैं, भाई स्टॉक बता स्टॉक बता, पागल, इतने स्टॉक तुम लेते भी हो जो पूछ रहे हो बार बार, है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही
सेलेक्टेड अच्छी कंपनी अगर लेके बैठ गए, और जिसने ये पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग या तो कर लिया या कर ले, आप कहें तो इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर 2 साल बाद भी ढूंढेंगे तो जैसे कपिल मल्होत्रा जी हंस रहे हैं ना, ये साला मोटा बहुत बोल रहा है, तो हैं तो अब मेरे जैसे सढ़ियाई लोग ना यही बात बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए बाबू, पसीना आ रहा देख रहे बोलते हुए हैं, गर्मी है आज यहाँ मेरठ में भी। दिवाली के बाद में आपका प्लेन विवेक भाई ऊपर चलना शुरू हो जाएगा और आप पूरी यात्रा करेंगे 2026 तक, ठीक। बीच बीच में झटका आएगा नीचे का, लेकिन वैसे वाले झटके नहीं आएंगे। और चलेगा क्या? बिजनेस क्वालिटी। और अब डंडा कहाँ पड़ने वाला है आप देखो, एसएमई पे आ रहे हैं रेगुलेशन आने वाले सभी के कि नहीं आ रही है न्यूज़ बीच बीच में, हाँ हाँ ऐसे सर आ है गई। ना, एसएमई पे भी आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप मिड कैप के जो फंड मैनेजर हैं उनके लिए भी मैंडेट डिस्क्लोजर देने जरूरी हैं, हर वो चीज। ये इतने आईपीओ आए, भाई कहाँ ले जाओगे ये पैसा, ठीक। आपने देखो नायिका वाली मैडम ने क्या करा, आईपीओ में फंड रेज करके अपनी सैलरी बढ़ा रही है, मतलब मैनेजरियल रेमुनरेशन। मेरे को खुद लगा एक टाइम पे कि नायका तो बहुत बढ़िया वो कर देगा, मतलब मार्केट को सुपरसीड कर देगा और बढ़िया करके काम करेगा, लेकिन मैं कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहा हूं तो एज पर फंडामेंटल, मतलब एज पर मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैनेजरल रेमुनरेशन टोटल इनकम का 5.5 से 6% होना चाहिए, वो अकेली बंदी 11% ले जा रही है। मगर ए भाई क्रीम लिपस्टिक बेच के इतना क्या कैसे कमा लेगी, है ठीक है ऑनलाइन आउटलेट है सब कुछ है प्लेटफॉर्म है उनपे, बट अभी अपने को उतना तेज नहीं लगता। कब चीजें कहां से बदल जाएं, मैंने लास्ट सेक्टर्स वगैरह का जब डिस्कस किया था तब भी बहुत डिटेल में बोला था, तो ऐसी चीजें होंगी और हो रही हैं। आप देखो अभी कुछ दिन पहले जो पतंजलि वाला था वो कि एडवर्टीजमेंट से वो करते हैं धोखा करते हैं कुछ ऐसे करके था, तो मैंने एक ही मैसेज लिखा था, मेरे मैसेज को अगर ध्यान से कोई पढ़े तो उसमें आपको बात पता चलती है। मैंने कहा था 30% माल बेचो, 70% के लिए अभी तक कोई मेरा रेड सिग्नल नहीं था। रीजन क्या था कि कंपनी अपने आप को कैवियट एम्प्टर में बचा लेगी। कैवियट एम्प्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट में क्या है, लेट द बायर बिवेयर, कि बायर को खरीदने से पहले खुद सावधान रहना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये गाय का घी है तो तेरे को मालूम नहीं है कि गाय का घी है या नहीं है, पॉइंट समझ रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट मैं कर रहा हूं लेकिन सामने से लेट द बायर बिवेयर कैवियट एम्प्टर जो होता है उसके तहत वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ले लेगा, और उन्होंने एकदम से उस चीज को नॉर्मल न्यूज बना दिया और आज भी आप देखो पतंजलि पे वैसा कोई फर्क नहीं पड़ा। बट विवादित तो है, विवादित तो है, हमें एक क्लू मिल गया। जैसे इमेजी का है, इमेजी का खूब बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं ट्रेड करो, पतंजलि खूब बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं ट्रेड करो, लेकिन 10 साल 5 साल के लिए अपने बच्चे के पोर्टफोलियो में मत रखो ऐसी चीजों को। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। ट्रेड करने का मतलब क्या है, आप किसी भी शेयर को 10 दिन 15 दिन से ज्यादा अगर अपने पोर्टफोलियो बास्केट में नहीं रखते हैं दैट इज योर ट्रेडिंग, या आप बहुत अवेयर हैं और साल 2 साल भी कोई स्टॉक आपका बढ़ रहा है और एकदम से कुछ नेगेटिव आया, आपने कहा चलो यार मेरे को 80% मिल रहा है, मेरा 90% प्रॉफिट था, बट आज भी बैड न्यूज के बाद भी मैं कम से कम 80% पे हूं, अपना माल काट दो आप। लेकिन आप कोई ऐसे स्टॉक्स जो प्लान कर रहे हैं पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो वहां तो आपके भैया 7,000 कंपनी में से पूरे अच्छे से फिल्टर करके हार्डली 20 से 22 स्टॉक 25 स्टॉक आप रखेंगे, और मैं समझता हूं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से ऊपर का पोर्टफोलियो भी उस इक्विटी एक्सपोजर में कोई रखेगा नहीं। छोटा आदमी है तो भाई 10-20 लाख रखेगा, उससे छोटा है तो 5-7 लाख का पोर्टफोलियो बनाएगा, लेकिन जो भी पोर्टफोलियो बनाएगा वो ऐसे स्टॉक्स के लिए एक गहन अध्ययन चाहिए। तो ये धीरे धीरे बाजार वहीं जा रहा है, यानी कि पिच तो हार्ड होगी लेकिन जो अच्छा बैट्समैन है या अच्छे बॉलर है ऐसे समझिए उनके लिए कोई हार्डनेस नहीं है।
दूसरा, जो एफर्ट करेंगे उनके लिए भी हार्डनेस नहीं है, हार्डनेस उनके लिए है जो 2 रुपए के शेयर को 50 रुपए देखना चाहते हैं, या जो बिजनेस को देखिए। अब एक बात का और बताऊंगा, मेरे को लोग पूछते हैं सर पैनी स्टॉक बताओ, मैं बोलता हूं मेरी नजर में कोई स्टॉक पैनी नहीं मनी है, जो पैनी स्टॉक है वो तो लेना ही नहीं चाहिए। विवेक भाई, जो पैनी स्टॉक है वो तो लेना ही नहीं चाहिए ना। पैनी का मतलब चिल्लर, चिल्लर को क्यों ले रहे हो आप? कोई 2 रुपए का शेयर है, दैट इज नॉट पैनी स्टॉक। अगर उस वो वैल्यूएशन सुन वाइज बहुत अच्छा है, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो पैनी स्टॉक कहाँ है? तो मेरी नजर में कोई पैनी स्टॉक होता नहीं है, जो पैनी स्टॉक होता है वो हम लेते नहीं है, सीधी बात। ठीक है, जब हमको बोला 6 रुपए में, हमसे पूछा कि ये लेना है, हमने कहा ले लो, नाम है सुजलाम एनर्जी। मन्या हमसे बोला 10 रुपए में ये भाई लेना है, हमने कहा ले लो, नाम है पटेल खाली इंजीनियरिंग। आप लोगों को सबको दिया है पटेल इंजीनियरिंग का, तो पोस्टर पब्लिक में भी शेयर करा। तो अब वो 10 रुपए का स्टॉक 1 साल के अंदर ही 70-75 रुपए हो गया, सुजलॉन 6 रुपए का आपका 45-42 रुपए हो गया, तो अब और क्या करोगे? जो टारगेट अपने 4 साल के थे वो अगर या 5 साल में मिलते हैं तो वी शुड सेल इट, राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली ठीक है, राइट। तो कई बार क्या होता है, बाजार आपको 2 साल की कमाई 6 महीने में करा देता है, और कभी कभी 6 महीने तक आपको 1 रुपए की भी पैसे नहीं बनाने देता है। तो जैसा बाजार बोले वैसा चलते रहने का। तो अभी फिलहाल मेरा तो यही अपने आप को मैसेज है, ये दिस इज नॉट फॉर यू, अपने आप को ये मैसेज है कि मैं भाई अपने, मैं इसीलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने पास रखूंगा कि मैं कभी भी कोई भी अब आगे अगले 3 साल तक कोई बेकार स्टॉक नहीं लूंगा, अच्छे कंपनी का रिसर्च करके लूंगा, लार्ज कैप में भी एक्सपोजर रखूंगा, मिड और स्मॉल में भी रखूंगा, बाकी चिल्लर पे कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक, SME जैसे PE एनालिटिक्स मैंने लिया था, टारगेट आ गया, एक श्री टेक फंसा हुआ है उसको निकाल दूंगा, क्रांति है उसको निकाल दूंगा, इसके अलावा फिर मैं अभी SME में कोई भी मेरा एक्सपोजर नहीं है, ना मैं लेना चाहता हूं अभी फिलहाल के लिए। जब पिक्चर क्लियर होती है जब हम करते हैं, विवाद इन चीजों में फंसना किस लिए? वी हैव 6,000 5,000 7,000 कंपनीज, तो अपने को तो ट्रेड करने के लिए 100 कंपनी चाहिए और पोर्टफोलियो में रखने के लिए 20 कंपनी चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भागने को तो सब कुछ भाग रहा है। ठीक है, आप ये देखिए, मैंने हमेशा अदानी वाले स्टॉक्स में ट्रेड किया है, कभी पोर्टफोलियो में आप लोगों को दिया ही नहीं। क्या मुझे अदानी अच्छा नहीं लगता? लगता है, बट मुझे बस नहीं समझ में आ रहा है। वेदांता मुझे अच्छा लगता है, लोगों को बोलता हूँ ट्रेड करो, मुझे वेदांता नहीं समझ में आता है, यही नहीं मालूम है मैनेजमेंट कब पलटी मार जाए, समझ रहे ना? आप देखो थायरो केयर, एक जमाने में बहुत अच्छी कंपनी थी, 5-7 करोड़ 1,000 करोड़ की कंपनी थी, डॉक्टर साहब ने वाइफ के चक्कर में उसको बेच दिया, वाइफ गई, बोला डॉक्टर साहब ने बोला मेरा खत्म, संन्यास ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे को बेच दिया, लेकिन आज भी वैल्यूएशन वाइज थायरो केयर जिनके हाथ में दिया, बेकार थोड़ी है लोग, एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट अच्छी कंपनी है, तो वैल्यूएशन वाइज हमें पकड़नी पड़ेंगी चीजों को, समझ रहे हैं योगेश जी, विवेक जी समझ रहे हैं बातों को? तो वैल्यूएशन वाइज पकड़िए, अच्छा रहेगा ना ये है। तो ओवरऑल आफ्टर दिवाली, दिवाली 2024, धीरे धीरे आपका, ठीक है, सीट बेल्ट बांध के आराम से 2-4 महीने, नहीं कहूंगा कम से कम 2025 एंड 2026 रहने वाला है, बट इस बार चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, एक बार थोड़ा सा 8 फॉर्म करेक्शन तो बनता है, और थोड़ा सा चल भी रहा है। ये देखिए आप निफ्टी, एक बात और बोलना चाहूंगा, स्ट्रक्चर देखो चार्ट का, निफ्टी कभी भी ऊपर आ सकता है राहुल जी, कभी भी हो सकता है, कल भी परसों भी ऊपर जाए फिर नीचे, लेकिन उससे कंपैरिजन में स्टॉक का करेक्शन ज्यादा है, राइट और रॉन्ग बताइए? हाँ स्टॉक बिल्कुल बढ़ने का सर। नाम ही नहीं ले रहे, तो स्टॉक कौन से? आपको निफ्टी का चार्ट ही नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में तो वही है, स्मॉल कैप सर मिड कैप। तो आपका विवेक जी, जो इंडेक्स है वो तो डाउन है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स से निफ्टी बढ़ रहा है, एचडीएफसी बिल्कुल बैंक में अभी लोअर साइड में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है टेक्निकल चार्ट पे। ठीक है, अभी वही अगर यहां से 100 पॉइंट बढ़ गया तो निफ्टी को तो ऊपर खींच के ले जाएगा वो, हाँ बिल्कुल सर। है ना? आज 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 जो सुधीर जी, आज जो मार्केट थोड़ा चढ़ा है,
कौन सा तीन कंपनी के वजह से निफ्टी खड़ा रहा? कौन से टीम है मतलब हाँ, आप? अब तो आईटी एचडीएफसी, ने सपोर्ट कर टीसीएस, दिया, किसने? आईटी ने भी सपोर्ट कर दिया उधर वही तो, एचडीएफसी, टीसीएस और एक तो मैं भूल गया, ये तीनों इन्फी, का वजह से निफ्टी खड़ा था। इन्फोसिस आई थिंक था, इन्फोसिस भी था, रिलायंस, 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 रिलायंस। राइट। देखो मेरे को ना यहाँ पे मीटिंग में ना सभी लोग जब आते हैं और ये जो जवाब देते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, उसी लिए करने का मन भी करता है। देखो ये अरे सर, नवीन आप जैन हो के ही, सब आप लोग हो ही प्यारे, तो सब सबको, आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। अभी देखो क्या है ना कि जबरदस्ती का अभी मेरे घर में भी बोल रहे थे यार इतना मत पहन लो बेटा, ये तो सब लोग ना मेरे को, क्योंकि फोन बहुत आ रहे थे ना आज शाम को, तो मैंने सबको यही बोला कि मीटिंग है उसमें आ जाना करके, सर मैं आ नहीं पाऊंगा, रिकॉर्डिंग भेज देना, सर मैं ये नहीं, मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता है, जिसको आना है आ जाओ, ठीक है, खुला निमंत्रण है कोई, वो तो है नहीं। अच्छा तो ओवरऑल नटसल में बात फिर से समझ में आई अनिस भाई या नहीं उसे है? समझ में आई, समझ गुंजन जी, में हाँ आई। गुंजन है? हाँ यस सर, अरे अभी अभी तो घड़ी घड़ी नहीं पूछेंगे, एकदम गिरते ही आप मेरे को शेर का भाव बताने लगते हो। नहीं नहीं सुधीर जी, आपका सर, थीम आपका थीम तो ठीक है ना, ब्लू वाला बस, थीम में कोई दिक्कत नहीं है, और क्या चाहिए, तो थीम में अगर ठप्पा लगा दिया है तो लगा दिया है बस। बस और क्या चाहिए। हाँ अभी क्या है, एसीआई गुंजन भाई आपका बहुत नीचे आ गया था, आप ही बोले थे कि सर डबल टॉप जन क्या बताया था आपने, वो बन गया है ना, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता ये डबल टॉप वाला, डबल टॉप क्या होता है? आपका एसीआई का टारगेट आ गया, फिर आपके पता नहीं कितने स्टॉक हैं, यू आर द मेंबर पता नहीं 3 साल से 2 साल से आप जुड़े हुए हैं मोमेंटम में, फोर सर ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए सर। ईयर तो पैसा बनाया कि नहीं? यस सर, बहुत। बहुत है ना, तो बहुत है तो मजा आ रहा है, तो कुछ दिन यार रेस्ट भी करो ना, इनके यस सर, मोमेंटम में चार चार गुना हो गया शेयर। सर वो दिल से नहीं बोल रहे, उनको बोलो थोड़ा मिठाई मिठाई भेजे ऐसे। अरे गुंजन जी यार बोलो यार इनको, बताओ यार अपने अपने कुछ एक दो स्टॉक बताओ इनको सर को। सर अभी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले सर ने सेम डे जब मैंने ज्वाइन किया था, आई थिंक 2020 में, तो उस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने माइंडट्री जो है वो सजेस्ट किया था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे 900 पे जो है वो हमने साथ में लिए थे सर ने और मैंने, और सर ने अपना भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था और मैंने भी अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट उसको 5000 पे उसको एग्जिट लिया था। ओ एक्चुअल में क्या था क्या ना गुंजन भाई, 900 इसलिए बात, बोले, मैंने 900 से नीचे लिया था और इनको भी बोला था ले लो, रीजन क्या था नाइस अब सुनिए, व्हाट इज द ग्रेट। रीजन बिहाइंड दैट। एक इनके ग्रुप में बंदा ना माइंड ट्री में बोल रहा था बियरिश पैटर्न बन गया है टेक्निकली दोस्तों, ये हो गया वो हो गया है, अब उधर मेरे ऐसा बेवकूफ आदमी भी था, मैं बोला माइंड ट्री खरीदो टारगेट 5000 है ना, अब शेयर का भाव चल रहा है 750, 5000 सुन के पागल तो बताएंगे लोग, और ऊपर से मैं नया नया मेंबर उस ग्रुप में, तो ये गुंजन भाई बोले यार ये तो कोई कैसा मास्टर है ये, तो ये मेरे को मिले, फिर मैंने इनको पूरा समझाया, मैंने कहा भाई देखिए सीसीडी कैफे कॉफी डे के मालिक के पास में माइंड ट्री था, अगर वो सुसाइड नहीं करते तो आज बहुत धनवान व्यक्ति होते, और उसी सेम से क्योंकि उन्हें लोगों ने कर्जे में थे तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई पैसा चाहिए करके, वो प्रेशर में आके बंदा बेच गया, सेम टाइम पे एलएनटी ने माइंडट्री के शेयर्स को उठाया, उसमें स्टेक लिया 950 रुपए पे, दैट टाइम आप अगर 2018 19 का 20 का ये 3 साल का चार्ट माइंडट्री का अभी जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई बड़ा आदमी उसको धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है, उस चार्ट से पता चल जाए, दिस इज द लर्निंग। अब बताइए कैसी लगी बात? ये तो बहुत ही बढ़िया है। अभी ऐसा किस्म का चार्ट आपको, आपके पास है क्या? थोड़ा हाँ तीन चार है ना, तीन चार हैं अभी। बता दीजिए ना। सर मैंने कहा वेबिनार का मोटो अभी देखिए, अच्छा माइंडट्री में फिर क्या हुआ उसका स्टोरी तो सुनो यार, फिर उधर 950 में था, मैं गुंजन को बोला मैंने कहा गुंजन भाई देखो अभी 800 रुपए में मिल रहा है, 780 का भाव है, वही भाव पे लिया था हमसे सर। हमसे पहले बड़ा आदमी, मैंने कहा एलएनटी जो कंपनी है उसके जितने तो नहीं है ना हम लोग,
वो 950 में ब्लॉक डील करके बैठा है और हमें उससे भी साढ़े नीचे मिल रहा है। इट इज द अवेल द अपॉर्चुनिटी वाली बात है। तो ये नए नए जुड़े थे तो कॉन्फिडेंस कम था, तो क्वांटिटी कम ली बट प्रॉफिट लेके आए। कारण वो दिन है और आज का दिन है, 4 साल से भाई साथ में है। लेकिन हाँ कभी कभी माइंड सेट थोड़ा वीक होता है तो मैं डांट देता हूँ इसको कि भाई नहीं अभी नहीं घबराने का है। सो घबराना नहीं है। अनीस भाई ने देखा आज HIL कैसे भाग गया, सर, हाँ क्या सर, हुआ, इतने दिन से रुका हुआ था। 6 महीने हो गए सर, बस टाइम ऐसी गया बातें है, हैं यार। सितंबर से रुका स्टॉक्स हुआ स्टॉक जो है ना, मैंने एक बात बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट रीड एनीथिंग, ओनली फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड बिजनेस मॉडल। शेयर मैनेजमेंट पे मार्केट फोकस करिए, मैनेजमेंट वाला कैसा है, मुकेश धड़का जी, हो गया अपने जितना अच्छा आपको होगा, चाहे बादल कितने भी गर्दिश में हो वो निकाल ले जाएगा। और दूसरे नंबर पे उनका बिजनेस, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है, आराम से बैठना। देखिए बाजार का अप डाउन ये सब सब चलेगा, सब चलेगा, ये तो झेलना है। और अब तो कुछ भी बाजार नहीं गिरते यार, कमाल भाई से पूछो पहले कितने बाजार गिरते थे, है ना, 3 3 साल का बियर फेस होता था बाजार में, तो बाजार ही नहीं गिर रहे हैं। अभी तो 2 दिन का बियर फेस खत्म, एक दिन हाँ में खत्म। अभी कल बाजार ऊपर चला जाएगा, वाह एंजॉय एकदम से। या मैंने बोला था ना देखो ऊपर ऐसे और भेजते हैं वो। अरे भाई ट्विटर में एक दिन मार्केट गिरता है तो स्टॉक मार्केट क्रैश करके ट्रेंड हो जाता हाँ क्रैश। सो है। सर एक क्वेश्चन तो था इस मैंने जो बातें आज आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं, ये हो सकता है कि ठीक भी ना हो, लेकिन अगर आप इनके ऊपर गौर फरमाएं तो आपको वाकई में ये हेल्प करेंगी, आज के लिए ही नहीं, ये आज के आपका लिए, टॉकिंग। आज के लिए इतना काफी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जो बात शेयर कर रहे हो वो आपका मर्जी से नहीं कर रहे हो, महाकाल ने आपको भेज दिया है ये बात शेयर करने के लिए, राइट सो आप राइट उनके मर्जी से आप कर रहे राइट, हो। बिल्कुल राइट बोला। नहीं तो मेरे को कल मेरे को एक बंदे ने ना मेरा कोई वीडियो, ये वाला वीडियो देखा होगा जो आप लोगों के साथ मैं संडे को कर रहा था, तो वो अच्छे कंपनी में फंड मैनेजर है, बोला सुधीर भाई हमको बताया नहीं, हमने यूट्यूब पे देखा तो, लेकिन यार इतना डीप आप सबको बता देते हो। मैंने कहा यार ऐसा है, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा ऐसा है सब लोग ना बहुत मोटी फीस दे के आए थे। समझे ओके ना, तो वो लग रहा है उन लोगों को हर वक्त फोकस रहता है बस पब्लिक से पैसा कैसे ले, बस हर वक्त यही फोकस है ना, ये वेबिनार वो लंच करा रोड देंगे होटल में, ये करा देंगे फला देंगे। पे तो मैंने कहा यार भाई चलो ठीक है कोई नहीं, अपने बहुत को अच्छा है, वो अपन नॉर्मल आदमी है। तो देखो ये आप ये देखो एक घर का बैकग्राउंड देखो ना, बात बिल्कुल करा भी ना रेंटल होम चाहिए, में बैठा हूँ, वेरी गुड फॉर अपने हेल्थ। अपने फ्लैट व्लैट में कहीं नहीं, घर घर में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ना आदत है वैसे ही रहने की, खाने पीने की, वही लाइफ स्टाइल। अभी गांव में चले जाएंगे वहां बैठे रहेंगे, किस दिन गांव से वीडियो बना देंगे आपको दिखा देंगे अपने खेत में। तो सिस्टम भाई ये है कि यहाँ पे फोकस किस पे करना है, पिछले वेबिनार को देख लेना, ठीक, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, क्या रणनीति रखनी है इस साल, वो ये वाला सुन लेना बस। बाजार निफ्टी के नंबर ऊपर बढ़ सकते हैं लेकिन अपनी करेक्शन जारी है, अभी करेक्शन अभी मार्च एंड के बाद में सेटल हो जाएगी, फिर से बढ़ेगी, लेकिन एक करेक्शन का पॉइंट हम लोग सितंबर अक्टूबर के आसपास भी देखेंगे, बिफोर दिवाली, देन एक सेटअप बन के पूरे बाजार का अंत अच्छा होना है, मतलब एंडिंग ऑफ द ईयर इज गुड, एंड फिर वो दोबारा एक पूरा चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है सिस्टम। तो मुझे पूछना था कि तब तक तो अपन आप यार मेरे ख्याल में भाई जिंदा तो रहेंगे ही, है ना, तो टाइम मिलता रहेगा करते रहेंगे वेबिनार, बहुत वेबिनार करेंगे। सुधीर जी, आप जो ये 8 का फॉर्मूला बताए उसके पीछे का फिलॉसफी ये है क्या कि जैसे समझो इलेक्शन हो जाता है, समझो मोदी जी आ जाते हैं, तो बाजार पूरा पहले एनालाइज करेगा कि अभी मोदी जी आ गए हैं और इसके बाद 5 साल के लिए उनकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, यस तो देखिए इसलिए जितना, हाँ बिल्कुल आपने बोला, देखिए जितना वो बोल चुके हैं, हालांकि अभी तक फेथ क्यों किया है बाजार ने, कि जब जब जो जो गवर्नमेंट ने बोला है उतना काम किया है, एटलीस्ट 100% नहीं किया है तो मोर देन 60% उन्होंने वो टास्क को किया है। तो जैसे अभी ये बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, पॉइंट समझ रहे हैं, तो अब मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे ऐसा हमें 2019 में लगता था, मोदी जी आ रहे हैं लेकिन
फुल आएंगे या नहीं आएंगे फुल वोटिंग से सपोर्ट से, ऐसा हमें 2014 में लगता था। पॉइंट समझना, 2014 अलग था, 2019 अलग था, अभी 2024 में मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट की मोदी जी आ रहे हैं बिकॉज पब्लिक बोल रही है। अभी लेकिन सिर्फ पब्लिक तीन के से बोलने सात से नहीं, वो जो तीन इलेक्शन हुए अभी स्टेट के और उसके बाद में जो फिर राम मंदिर एंड ऑल एंड सब लोग भावुक भी हो गए, और इस टाइम पे सिर्फ मोदी जी, और अभी एक और मोदी जी ने स्टंट मार दिया कि जितने भी वो थे ना लोग, जैसे बड़े बड़े से बढ़िया से कोई रेडियो पे एंकरिंग कर रहा है, कोई कर रहा है, उन सबको भी अवार्ड दे दिए। सोशल हाँ मीडिया अवार्ड। हाँ आग आग लगा लगा दी उन लोगों ने, आग लगा दी सब जगह अब भी, कौन अपने YouTube चैनल पे मोदी जी नहीं बोलेगा। सब लोग बोले। आप तो असली चीज भूल ही गए, कल जो अनाउंसमेंट किए थे हाँ CAA बस लागू चार हो सौ गया, चले अब 500 पार ना हो जाए। बस। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजों का मतलब क्या है, ये सब चीजों का एक ही मतलब है कि मार्केट को इसका जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है। अब मार्केट अपनी रिवैल्यूएशन करना जानता है और मार्केट अपने हिसाब से करेगा। बिल्कुल सही पकड़े आपने, इसलिए ये 8 शेप करेक्शन एंड रिकवरी जरूरी है बाजार में। और ये इसलिए भी, अब इसको तमाल भाई क्योंकि ज्योतिष आचार्य रहे हैं तो वो इसको 8 नंबर सैटर्न से जोड़ देंगे, 2024 8 नंबर सैटर्न का है तो इससे ये जोड़ मैं देंगे नहीं इसको। जोड़ रहा हूँ, ये आप ही जोड़ के बोल रहे हैं। आप मैं आपको सब पता है। आप और एक चीज आप बोल नहीं रहे, देखिए आपका हॉट, आप जो स्टॉक देते हो हाँ कोई शक नहीं है स्टॉक सही है, लेकिन हाँ हर स्टॉक में सबको नहीं पैसा मिलेगा, ये बात हाँ भी राइट, सही सबको नहीं पैसा मिलेगा, उसको पैसा है। बनाने सब वाला चाहिए। हाँ नहीं, उसके पीछे रीजन तो कुछ है, आपको पता है मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं। हाँ नहीं तो करेंगे डिस्कशन कभी। तो ठीक है वही बात सर, है। थैंक यू। ओके अच्छा भाई थैंक यू, सभी लोग जय महाकाल। थैंक जय यू, महाकाल, जय माता, जय राजेश जी माता, थैंक यू सर, थैंक क्लियर रहा यू सर डिस्कशन? गुलजार मैम जी जय सर जी महाकाल सर, सर, गुलजार बहुत सारा मैम क्लियर है, इन्फॉर्मेशन कुछ डिस्कशन क्लियर जी सर, हुआ? वही जी सर, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है सर। गुड थैंक यू। नहीं अभी कुछ डाउट्स थे जैसे कि भाई क्या होने वाला है बाजार कैसे करके, कुछ समझ में आया? जी, निफ्टी बढ़ेगा तो बढ़ने तो दो, निफ्टी गिरेगा तो गिरने दो, आपका मिड कैप स्मॉल कैप वाला इंडेक्स पे ध्यान रखो। जी सर ठीक ठीक है, कचरा स्टॉक सर, साफ बहुत करो क्लियर सभी लोग। लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जी वही थैंक यू सर, कपिल जी, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर। हमने